अजब एमपी में गजब गुहार, आदरणीय चोर जी गाड़ी लौटा दीजिए। मध्य प्रदेश को अजब और गजब कहा जाता है। गाना आपने सुना ही होगा विज्ञापन का, एमपी अजब है और सबसे गजब है। लेकिन जितना एमपी अजब और गजब है, उतने ही गजब यहाँ के लोग भी हैं। देखिए ना, एक शख्स की गाड़ी चोरी हुई तो उसने चोर से ही गुहार लगानी शुरू कर दी, और चोर को बाकायदा एक निवेदन पत्र भी सौंपा। इसका मजमून कुछ ऐसा था कि सुनने वाले भी हैरान रह गए और हंसी भी नहीं रोक पाए। वैसे लोगों की हंसी को छोड़ दीजिए, अगर खबर पर गौर करेंगे तो आप भी समझ पाएंगे इस गुहार लगाने वाले का दर्द कितना है। मामला दरअसल स्वच्छता में अव्वल रहने वाले शहर इंदौर से सामने आया। यहां पर एक शख्स की एक गाड़ी चोर ने चुरा ली और इस चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में वहां कैद हो गई। इसके बाद पहले गाड़ी मालिक ने पता किया, गाड़ी के बारे में खूब खोजबीन की, गाड़ी खोजी, गाड़ी नहीं मिली, सीसीटीवी देखा और फिर वो पहुंच गया सीधे थाने, जहां पर गाड़ी चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई और सीसीटीवी फुटेज दिए गए। लेकिन दूसरी तरफ शख्स ने चोर को एक निवेदन करते हुए भावुक पत्र लिख डाला। इसमें लिखा क्या था? इसमें लिखा गया, आदरणीय चोर साहब, मुझे मेरी गाड़ी लौटा दीजिए। आप गाड़ी चोरी करते हुए कैमरे में कैद हो गए। मैं छोटा कर्मचारी हूं, जीवन भर की कमाई से बाइक खरीदी थी। मेरा बेटा गाड़ी पर घूमने के लिए रो रहा है, उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है क्योंकि हर रोज वो इसी गाड़ी पर घूमता था। मेरा नाम सतीश सालवे है और मैं महीने के लिए सिर्फ 8,000 रुपए कमाता हूँ। मेरे पिता नहीं है, मेरी 3 बहनें हैं, पूरे परिवार का भार मुझ पर है। चोर साहब, मेरी मजबूरी को समझिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा पत्र आप तक जरूर पहुंचेगा और आप मेरी गाड़ी को लौटा देंगे। दरअसल ये गाड़ी चोरी की घटना इंदौर के भंवरकुआं थाना इलाके के वेदा पार्क बिल्डिंग की पार्किंग में हुई थी, जिसमें ये चोर घंटों पार्किंग में गाड़ी चुराने के लिए पहले रेकी करता रहा और फिर गाड़ी लेकर वो रफू चक्कर हो गया। ये घटना 4 जून दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। बहरहाल अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गाड़ी मालिक को ये गाड़ी नहीं मिल पाई है, लेकिन गाड़ी मालिक ये चाहता है कि चोर तक उसका ये आवेदन निवेदन पत्र जो है वो जरूर पहुंचे और वो अपनी मजबूरियां गिना रहा है। देखना होगा कि चोर क्या ये बाइक लौटा देता है या फिर पुलिस जल्द से जल्द इस चोर को पकड़ लेती है।